राजस्थान में सालासर रोड पर स्थित सुजानगढ़ के प्रवेश द्वार पर स्थित राम दरबार की प्रतिमा को राजस्थान सरकार ने तोड़ दिया। बुधवार 16 मार्च की शाम से ही इस पर विवाद चालू है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ सालासर रोड को जाम भर के विरोध प्रदर्शन किया। 1.5 घंटे तक लगा हुआ जाम लगभग रात को 7:45 के आसपास खुला, जिसके दौरान लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके कारण 3 किलोमीटर लंबे जाम से निपटना प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो गया था। पुलिस से आक्रोशित हिंदू कार्यकर्ताओं ने मांग की कि वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाया जाए। EAEN बाबूलाल वर्मा और JEN नंदलाल मुवाल को सड़क पर ही बिठाकर उनसे राम दरबार की प्रतिमा को तोड़ने का कारण पूछा गया। इस पर उन्होंने सड़क के चौड़ीकरण की बात करते हुए हाथ जोड़कर माफी मांग ली। सड़क को 4 लेन बनाया जा रहा था, लेकिन PWD के ठेकेदार उसे सम्मानजनक तरीके से मूर्तियों को कहीं और स्थानांतरित किए जाने की वजह JCB का इस्तेमाल करके भगवान राम और उनके दरबार की प्रतिमाओं को प्रवेश द्वार सहित ध्वस्त कर दिया। हालांकि AEN ने इस मामले में आश्वासन दिया है कि सड़क का काम पूरा होने के बाद जो प्रवेश द्वार बनेगा उसमें भी राम दरबार की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। हालांकि उन्होंने इस बात को लिखित में देने से इनकार कर दिया। उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात करने का बहाना बनाया, तो वहीं SDM ने प्रशासन से बात करके मामले को सुलझाने की बात कही। भाजपा ने इस घटना को राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की करतूत करार दिया। AEN ने इससे पहले कहा था कि राम दरबार प्रवेश द्वार पर मौजूद ही नहीं थे, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उनको इस पर माफी मांगनी पड़ी। राजस्थान सरकार के हिंदुओं की आस्थाओं के प्रति इस तरह के रवैयों को आप किस तरह से देखते हैं, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम।